स्वतंत्र देश में हमारे देशभक्ति का स्वरूप क्या है, नागरिक जीवन के नियम अनुशासन होते हैं उनको पालन करना, ये एक बात है, किसी भी हालत में उनका उल्लंघन नहीं करना, हाथ में कानून लेना नहीं, ग्रीवंस हो, दुख हो, पीड़ा हो, तो भी प्रजातांत्रिक रास्ते है उसको व्यक्त करने के, उसको छोड़ के जाना नहीं। लेकिन दूसरा है कि सब नागरिक, सब जन अपने देश का, वो मेरा अपना है, इसलिए उसके सुख दुख में हमारी सहयोगिता, सहभागिता हो। और इसलिए अंगदान ये देशभक्ति का काम है, देशभक्ति का ही स्वरूप है। जिन लोगों का जीवन खराब होने वाला है क्योंकि उनका एक अंग बेकाम हो गया, मेरे पास है और अब मैंने उसका उपयोग कर लिया, अब मैं जिंदा नहीं हूं, नहीं रहने वाला हूं, तो मैं उसका दान क्यों ना करूं। बहुत कुछ हम इसमें बड़ा कुछ कर रहे, ऐसा नहीं, हमारा उपयोग करके हो गया, बताया ना, केवल मृत्युपरांत अंगदान इसी का काम है। तो मृत्यु के उपरांत भी शरीर अगर किसी के उपयोग में आ सकता है तो करना ही चाहिए। मनुष्य शरीर का उपयोग क्या है? मनुष्य शरीर का उपयोग सबके लिए जीना, यही है, सबके लिए जीना और सबके लिए मरना, यही तो मनुष्य जीवन है। इस देश के लिए जीना, इस देश के लिए मरना, तो मरने के उपरांत भी जो जीवनशील बाकी है अपने शरीर में, ब्रेन डेड होने के बाद आदमी मर गया ऐसा मानते हैं, लेकिन एक साथ नहीं मरता शरीर, कुछ अंग बाद में कुछ समय तक जीवित रहते हैं। ऐसे अंग अगर दूसरों के जीवित व्यक्तियों के उपयोग में आए तो उपयोग के लिए को उपलब्ध करा देना हमारा कर्तव्य है, मनुष्य का धर्म है।